इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रेसिडेंट की हेल्प करने के लिए और प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। लेकिन कौन होते हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ रुबीना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट को ये अधिकार मिला है कि वो अपने लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। काउंसिल का मतलब है परिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस देने का काम करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तीन तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर। वो मिनिस्टर जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करते हैं उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं जिन्हें अलग अलग पोर्टफोलियो मिले होते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो मिनिस्टर्स जिन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिले हों, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एक्सेट्रा। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स, इन तीनों मिनिस्टर्स को मिलाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं और इनके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। डेप्यूटी मिनिस्टर वो मिनिस्टर होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को एडवाइस देने का काम करते हैं। आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ लोकसभा के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ये राज्यसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं। प्रेसिडेंट पीएम से कंसल्ट करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर को अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक लिस्ट बनाते हैं उन लोगों की जिन्हें वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट बनाना चाहते हैं, और ये लिस्ट पीएम प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करते हैं और फिर प्रेसिडेंट इस लिस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंबर वही बन सकता है जो राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर हो, लेकिन अगर कैंडिडेट ना ही लोकसभा और ना ही राज्यसभा का मेंबर है तो इस सिचुएशन में कैंडिडेट को पहले 6 मंथ्स के लिए लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टर्म फिक्स नहीं होते हैं कि ये कितने टाइम तक अपनी पोस्ट पर रहेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तब तक अपनी पोस्ट पर काम करते रहते हैं जब तक राज्यसभा और लोकसभा उनसे सेटिस्फाइड है। वैसे पार्लियामेंट का टर्म 5 इयर्स का होता है, तो इन मिनिस्टर्स का मैक्सिमम टर्म 5 इयर्स होता है। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के किसी मिनिस्टर ने पीएम के साथ किसी तरीके का कोई धोखा किया है तो उस मिनिस्टर को अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है। तो गाइस, हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।